फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज 1.3, ओके। एक्सरसाइज 1.3, तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या दिया हुआ है वो हम देखें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। ओके, हमें डेसिमल फॉर्म में बताना है इसको और ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें यहाँ पर शो करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, 36 अपॉन 100, सो वी कैन राइट इट 0.36। ओके, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। इट इज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, 1 अपॉन 11। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वन को हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, यहाँ देखिए डिवीज़न नहीं होगा तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो, फिर से नहीं हो रहा है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया ज़ीरो, 11 9 99, क्लियर। फिर क्या होगा, वन नहीं हो रहा है, ज़ीरो लगाओ, सेकेंड ज़ीरो लगाएंगे तो 9, यानी ये 09 09 09 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा 0.09 09 09। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.09 बार। ओके, तो ये किस तरह का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है 4 1 अपॉन 8, 8 4 जा 32 एंड 1 अपॉन 8 मीन्स 33 अपॉन 8। ओके, चलिए इसको भी हम डिवीज़न करेंगे, 33 इज डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, 1.0, 8 1 जा 8, देन 2, 0 रखेंगे, 8 2 जा 16, 4, फिर 0 रखेंगे, 8 5 जा 40। ओके, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ जो इसका आंसर होगा 4.125, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा ये। चलिए आगे देखते हैं अपने, इस तरह से हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, 3 अपॉन 13। चलिए 3 में आप 13 से डिवाइड कीजिए। ओके, तो कितना आएगा, 0.0, 13 2 जा 26, कितना बचा, 4 बचा, 0 रखिए, 13 3 जा 39, कितना हुआ, 1। ओके, 0 पुट कीजिए, नहीं होगा, यहाँ पे फिर से एक 0 आएगा, कितना करेंगे, 100, 13 7 जा 91 हुआ, कितना बचा, 9 बचा बेटा, ठीक है, फिर से 0 पुट करेंगे, कितना आएगा, 13 7 जा 88, 13 7 जा 91, 91 तो होगा नहीं, तो 13 6 जा 78, 120 हुआ। ओके, फिर कितना होगा, 9 117, और फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट होगा। ओके,
तो यहाँ जो इसका आंसर होगा 0.230769, देन रिपीटिंग इट्सेल्फ। ओके, सो इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें बोला है 2 अपॉन 11। चलिए इसको भी करते हैं। 11 क्या है, 0.0 पुट कीजिए, 1, 11 कितना आएगा, 9 आएगा, 8 से कीजिए 88, फिर 2 से कीजिए, ओके, फिर कितना आएगा, 1, 11, फिर 9 से कीजिए, यानी ये आपस में क्या होता जाएगा, अपने आप ही रिपीट होता जाएगा 0.18 बार, जो रिपीट होता है जितनी भी डिजिट उसमें हम बार लगा सकते हैं। अरे प्रभु, सो इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी हमें कहा गया है 329/400। ओके, चलिए इसको करते हैं, 329/400। ओके, एक बार हम इस 4 को साइड में रखते हैं और सिर्फ 4 से इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा फ्रेंड्स, 4 8 जा 32, पूरा जा रहा है, इसमें कितना आ जाएगा, 0 9, 4 2 जा 8, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे। ओके, तो 0 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा। ओके फ्रेंड्स, और जो 802.25 और हमने 00 को साइड में रखा था, तो ये पॉइंट हटकर यहाँ आ जाएगा 8.025। ओके, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि किस तरह से डेसिमल फॉर्म को हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में बता सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर टू में हमें लिखा हुआ है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, देन 6/7 की वैल्यू क्या होगी। ओके, और वो भी हमें विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, यानी हमें डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और हमें ये बताना है, ओके, कि इनके आंसर्स क्या होंगे डिवीजन किए बिना। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इजी है, किस तरह से वो आप देखिए, 1/7 का आंसर हमें दिया गया है, क्लियर। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इज डिवाइडेड बाय 1/7, 1/7 की वैल्यू हमें दी गई है, सो 2 × 0.142857। ओके, चलिए अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं, 2 7 14, 1, 2 5 10 एंड 1 11 कैरी 1, 2 8 16 एंड 1 17 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5 एंड 14 2 28। तो इसका आंसर कितना होगा, 28 5 7 1 4, क्लियर। हमने कोई डिवीज़न
लॉन्ग डिवीज़न नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और फिर भी हम उसका आंसर ला सकते हैं। सेम थिंग 3 × 1/7, सो 3 × 0.142857, ओके। चलिए इसका भी करते हैं, 3 × 7 = 21, कैरी 2, 3 × 5 = 15 × 7 = 17, कैरी 1, 3 × 8 = 24 and 1 = 25, कैरी 1, 3 × 2 = 6 and 1 = 7, 14 × 3 = 42, सो ये हमारा हुआ 3 का, क्लियर। चलिए 4 × 1/7, 4 × 0.142857, क्लियर। 4 × 7 = 28, कैरी 2, 4 × 5 = 20 and 2 = 22, कैरी 2, 4 × 8 = 32 and 2 = 34, कैरी 3, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, कैरी 1, 4 × 4 = 16 and 1 = 17, कैरी 1, 4 × 1 = 4 and 5, सो 5 × 7 = 1 4 2 8, ये हमारा हुआ 4/7 का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 5 × 1/7 = 5 × 0.142857, क्लियर। 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 7 = 35, कैरी 3, 5 × 5 = 25 and 3 = 28, कैरी 2, 5 × 8 = 40 and 2 = 42, कैरी 4, 5 × 2 = 10, 10 and 4 = 14, कैरी 1, 5 × 4 = 20 and 1 = 21, कैरी 2, देन 5 × 1 = 5 and 2, ओके फ्रेंड्स। देखिए हम कोई डिवीज़न नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 × 1/7 = 6 × 0.142857, ओके। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 = 42, कैरी 4, 6 × 5 = 30, 34, कैरी 3, ओके, 6 × 8 = 48 and 3 = 51, कैरी 5, ओके, 6 × 2 = 12 and 5 = 17, कैरी 1, 6 × 2 = 12 and 1 = 13, कैरी 1, 6 × 4 = 24 and 1 = 25, कैरी 2, एंड 6 × 1 = 6 and 2 = 8, 0.8537142, ओके। वंस मोर टाइम अपने कर लेते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं, 6 × 7 = 42, कैरी 4, 6 × 5 = 30 and 34, कैरी 3, 6 × 48, 48 and 3 = 51, 1, कैरी 5, 6 × 2 = 12, 12 and 5 = 17, 17 + 7, कैरी 1, ओके, 6 × 4 = 24,